हाय गाइस, वेलकम बैक टू शिकास फैमिली चैनल। सो गाइस, आज है रात के बज रहे हैं 12 और स्टार्ट हो गया है 23 दिसंबर। और 23 दिसंबर को क्या है, हमारी एनिवर्सरी। ये देखिए, तुरंत हिमांशु भैया का फोन आ गया है, उठा लीजिए। तो वैसे सरप्राइज नहीं था, क्योंकि मिशिका ने मुझे बता दिया था कि पापा केक लेके आए हैं, पापा फूल लेके आए हैं। लेकिन देखो, हेलो, तो अभी फूल लेके आए हैं और केक लेके आए हैं। मुझे पता पहले ही चल गया था, बट मैंने देखा नहीं था कि कैसा आया है, क्योंकि मैं देखती कैसे छुपा के रखा था इन्होंने, बिकॉज ठंडी का टाइम चल रहा है। तो हाँ, मैंने देख लिया। हाँ, आपने देख लिया था, तो ठंडी का टाइम चल रहा था ना, तो इसलिए कहीं पे भी रख दिया उन्होंने। मैं ढूंढती तो रहेगी, पर मुझे मिला नहीं। अभी आपको भी देखने को मिलेगा, मुझे भी देखने को मिलेगा। सो आई नो कि आप लोग भी काफ़ी सारी विशेज हम लोगों को देने वाले हैं, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ कि हमारी हम दोनों को साथ में 6 साल कम्प्लीट हो गए हैं, रिलेशनशिप में आए हमें 7 साल हो गए हैं। बट मैं आपको बताऊं, अभी भी हमको ऐसा लगता है कि कल ही हमारी शादी हुई है, और बहुत अच्छा लगता है। क्या हुआ, सब काम है लेकिन टेबल उठा लिया। सो हम जा रहे हैं हमारा केक कट करने के लिए। अब वो केक कैसा है वो तो बाबू बताएंगे, बाकी दिखाएंगे, मतलब मैं देखूंगी। लेके तो आ रहे हैं, दिखाऊं आपको कैसे। ये आ रही है हमारी केक की बाल्टी, और आ रहा है बुके। अब शक्ल तो दिखा दो, बुके कैसा है। वाह, नाइस। जो मिला वो ले आया। चलो इस बार कम से कम लेके तो आए। सॉरी टू से, बट पिछली बार भी लाए थे, बस पिछली बार हमारी लड़ाई हो गई थी, दैट्स व्हाई मैंने केक कटा ही नहीं था। हैप्पी एनिवर्सरी। हमेशा आदमी गोल केक लाता था, आदमी चॉकलेट लाया। आदमी का तो पता नहीं, पर तुम बहुत अच्छा केक लाए। मैं कुछ ना कैंडल लाया ना कुछ लाया, क्योंकि कैंडल तो लगाते ही नहीं ना, काटते ही नहीं ना अपन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मम्मा के पूरे मुंह पे ऐसे करूंगी। लल्ला, हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी मेरी। दोनों के मुंह पे, प्यारी सी नन्ही सी जान। कितना साल हो गया अपने को? 6 साल कंप्लीट। 6 साल कंप्लीट हो, पता नहीं क्यों पड़ा। ईयर मंच को पड़ा। टुगेदर। चाकू है ना ये। बाबू, हमें 6 ईयर कंप्लीट कर लिए हमने। ईयर में हमारे पास दो हमारी लाइफ लाइन है, एक हमारी है, एक उनके पिताजी की है। वैसे तो मेरी दोनों ही लाइफ लाइन है, बाकी ऐसा होता है मेरी लाइफ में 3 लाइफ लाइन है, जिसमें एक लाइफ लाइन मेरे हस्बैंड है, 2 मेरे बच्चे हैं, और उसके बाद मैं खत्म हो जाऊंगी। राइट। कैंडल वगैरह लाए तो हो, लगाना नहीं है वो बात अलग है। देख मंच कैसे बेताब हो रहा है, ये देखो बेताब। ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, कितना ले लो ले लो। मॉर्निंग गाइस, तो अभी हो रही है सुबह, और रात में हम लोगों ने ब्लॉग एंड कर दिया था, क्योंकि मंच परेशान कर रहा था। एंड गाइस, मैंने रात में लगाई थी थोड़ी सी मेहंदी, बट अगेन मंच मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, तो मुझे धुलनी पड़ी थी। बट फिर भी मुझे लगता है कि उसके हिसाब से कलर बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि जैसे ही मैंने मेहंदी लगा के मैं लेती हूँ उसके बगल में, और वो मुझे मतलब इस तरीके से मेरे ऊपर जोर डाल रहा था कि मैं उसकी साइड करवट ले लूं। दैट्स व्हाई मैंने क्या किया कि मेहंदी को निकाल दिया और धुल दिया था। मुझे लग रहा था कि मेहंदी का कलर आएगा ही नहीं, बट कलर तो आया है, पर हाँ बहुत ज़्यादा नहीं आया है। मैं अब पता है ये एक दिन में चढ़ेगा, तो मेहंदी का कलर आ जाएगा। मैं अभी बना रही हूँ चाय, मैं बाबू को चाय दूँ, मैं चाय पीऊँ। उसके बाद हम आगे का कुछ सोचते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। वैसे तो हमें ऐसा कुछ खास करना नहीं है। पहले हमने सोचा था कि हम मीटअप करेंगे इंदौर में अपने एनिवर्सरी वाले दिन, बट है कोई प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं। अभी दूध आया है, और ये हो गई हमारी चाय। अभी जो रात का दूध रखा था वो भी उबाल के रख दिया है, और ये देखिए ये अभी आया है, तो इसको भी बाद में उबालूंगी, पहले मैं चाय पीऊंगी, क्योंकि मुझे चाय पीने का बहुत मन हो रहा है।
कुछ नहीं किया मैंने, मतलब कुछ भी नहीं किया, मतलब ओनली ब्रश किया है और पोनीटेल बांध ली है। ये देखो, आज अच्छा तेल डाल के फिर इसकी चोटी डालने की सोच रही थी, वही याद आया कि कैसे करेंगे। चलो हम चलते चाय नहीं चाहिए आप अपनी। आई लव यू बेटा, ये तो तोड़ दिया तुमने, दे दो ना उसको। जब दूध वो फेंक, हम बोले ना फेंक रहा है वो सब यार, का कि जरे दूध तो बोले तो फेंक रहा था वो। गरम गरम चाय की प्याली हो और बालकनी में पीने वाली हो। चाय लवर जिसे बोलते ना वो मैं हूँ, मतलब कट्टर चाय लवर। किसी भी टाइम चाय दे दो मैं पी लूंगी। सो गाइज, हमने दोपहर में खाना खाया था कटहल की सब्जी, जो कि मैंने रात में बनाई थी जिस दिन मेरी एनिवर्सरी थी, यानी 12 बजे से सेलिब्रेट करना था। उस दिन मैंने 10 बजे जब रात को खाना बनाया था तो कटहल की सब्जी बनाई थी, क्योंकि ये कटहल लेके आए थे और कटहल की सब्जी हम लोगों की फेवरेट है। तो देखिए ना, इतनी सारी सब्जी थी इसलिए हमने कटहल की सब्जी और रोटी बनाई थी। ये क्लिप मैंने पहले बना ली थी बट मुझे लगा स्टार्टिंग में किचन दिखाना सही नहीं। सो गाइज, बाबू दोपहर में ये फ्रूट्स लेके आ गए थे। आप में से काफ़ी सारे लोगों की ना कम्युनिटी पे कमेंट्स आ रहे थे कि दी आपने पहले तो बोला था कि आपकी दिसंबर में शादी हुई थी। तो गाइज, मेरी 3 बार शादी हुई है। आपको कहीं और से भी पता लगे ना तो आप कंफ्यूज मत होना, बिकॉज यस, मेरी 3 बार शादी हुई है, बट एक ही इंसान से 3 बार शादी हुई है, ठीक है। सो पहले हमारी एक कोर्ट मैरिज हुई थी, फिर उसके बाद हमारी मंदिर से शादी हुई थी, फिर उसके बाद पापा ने ऑफिशियली हम लोगों की सबके सामने शादी करवाई थी। तो अब शायद आप लोगों को वो 3 शादी वाला फंडा समझ में आ गया होगा। वो मतलब ऐसे कोई भी सुनता है ना तो उसके लिए भी थोड़ा सा ऐसा हो जाता कि हाय, बट आप समझेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ था। तो यहाँ पे ये देखिए कितने सारे फ्रूट्स लेके आए हैं, बनाना, एप्पल, तरबूज और पपाया। मतलब पपाया मैं खाती ही हूँ, तरबूज तो बहुत अच्छा लगता है, बट यही है ना, इस मौसम का नहीं होता तो इतना मीठा रहता है कि क्या बताएं, ऐसा लगता बस खाते ही जाएं, लेकिन खाते खाते अपने आप पता नहीं क्यों गले में अच्छा सा नहीं लगता है। सो बस चलिए, मैं मिलती हूँ अब आप लोगों से। हाँ, 3 शादी वाली बात को ना कन्फ्यूज़न से हटा दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आए, मैंने सारे कमेंट्स डिलीट किए थे इसीलिए, क्योंकि मैं और कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना चाहती थी। खा रहे हैं और मेहंदी का कलर देखो थोड़ा सा डार्क हो गया है। मैं नहा लिया था, पूजा कर ली थी, शाम का टाइम होने को आ गया, पूरे दिन घर का काम वाम किया और अभी सजाने वाले लोग आए हैं, थोड़ा सा डेकोरेशन करवा रहे हैं और उसके बाद देखते हैं क्या पहनना है। पहनने का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे पर कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या पहनूं। सो गाइज, डेकोरेशन हो गई है कंप्लीट। ये देखिए इस तरीके से हार्ट बनवाया हुआ है और बिल्कुल सिंपल सी डेकोरेशन की है, क्योंकि बाद में फिर वही बलून फूटते हैं, फैलते हैं, तो वो हम नहीं चाहते थे। चाहते थे कि डेकोरेशन हो पर अच्छी सी हो। सो ये देखिए हो गई है। हर बार तो बहुत ज़्यादा करवाते थे ना, आप लोगों को तो पता ही होगा बर्थडे वगैरह पे। सो गाइज, फाइनली हम जा रही हूँ तैयार होने के लिए। बाबू जाएंगे थोड़ी देर में केक उठाने के लिए और हम जस्ट घर में ऐसे केक काट रहे हैं, बच्चों को खुश करने के लिए बैलून वगैरह लगवा दिए हैं।
क्योंकि हमें क्रिसमस को तैयारी करवानी पड़ती है। मिशिका को आपको पता ही, हर साल हम केक कटवाते हैं मिशिका से क्रिसमस पर, तो वो करना पड़ता। एक हाथ से जुड़ा नहीं खुल रहा, भाड़ में जाने दो। हमें जा रही हूँ मेकअप करने के लिए, और ये वाला मेकअप लुक मैं बहुत न्यूड रखने वाली हूँ, बट फिर भी मैं मेकअप करने वाली हूँ, सो दैट मैं ये मेकअप वीडियो अपलोड करूँगी अपने न्यू चैनल पर मेघा बाय। तो मेरे न्यू चैनल पर ये मेकअप वीडियो आएगी। मेकअप वीडियो चैनल का नेम है मेघा ब्यूटी पैशन, सो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे आपको मेरे मेकअप, DIY, होम्स और होम रेमेडीज, हेयर से रिलेटेड हॉल, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मैं ब्लॉग चैनल पे नहीं कर पाती हूँ मैं वो वहाँ पे करूँगी चैलेंज। तो और अगर आप कुछ भी देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा मेकअप वीडियो भी वहाँ पे देख लीजिएगा। आई नो कि ये ब्लॉग काफ़ी लेंथी हो रहा है, तो इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, और अब आपको मिलेगा मेरा नाइट का सेलिब्रेशन ब्लॉग। सो आप लोग वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय गाइस।